हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपका दिन बहुत बहुत मंगलमय हो और मेरा भी दिन बहुत अच्छा बीते, मैं भी यही उम्मीद करती हूँ। तो चलिए, आज की व्लॉग की शुरुआत हो गई है, काम सारा फिनिश हो गया, खाना बनाया और अब खाने में बना है घिया की, आलू और घिया की सब्ज़ी बनाई है मम्मी ने। तो मैंने जस्ट वो खा के, दवाई लेनी होती है क्योंकि मुझे सुबह सुबह, तो मैंने वो खा के दवाई ली है अपनी और बस यही है फिलहाल तो। और मैंने सोचा कि चलो व्लॉग की शुरुआत कर देती हूँ और मैं यहीं पर बैठ के आज जो वीडियो मैं पोस्ट करने वाली हूँ, यानी कि आज बैठ के आज की वीडियो की एडिटिंग कर रही थी और आज यानी कि जो आज मैं पोस्ट करने वाली हूँ 25 तारीख को जो वीडियो जाएगी उसकी एडिटिंग कर रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो की शुरुआत कर देती हूँ क्योंकि फिर एडिटिंग करके जब वीडियो को अपलोड करती हूँ तो उसमें भी बहुत सारा टाइम निकल जाता है, 1-1.5 घंटा निकल जाता है ईजिली। फिर एडिटिंग करके अपलोड करो, फिर उसमें जो भी थोड़ा बहुत मुझे सेटिंग करनी होती है, एंड स्क्रीन और आई कार्ड वगैरह जो लगाने पड़ते हैं, आई बटन वगैरह लगाने पड़ते हैं, उसमें भी थोड़ा बहुत टाइम निकल जाता है। तो इस वजह से मैंने सोचा चलो पहले वीडियो की शुरुआत कर देती हूँ फिर उसके बाद मैं उसे अपलोड करती हूँ। तो चलो आज के दिन की शुरुआत हो गई है। बोरिंग व्लॉग नहीं बनाने की कोशिश करती हूँ पर वो हो जाता है क्योंकि आपको पता है मेरी सिचुएशन इस टाइम ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है और जब से दवाइयाँ 2 दिन से दवाइयाँ लेनी शुरू करी हैं तो मुंह भी बहुत कड़वा कड़वा और मुंह में अजीब सा, कैसे बताऊँ, बहुत कड़वा कड़वा और अजीब से झाग से बने रहते हैं मुँह में, बहुत बुरी हालत हो रही है। ये सब चलता है, शायद बाहर कोई आया। चलो मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारा जो मशीन का ड्रायर है वो ख़राब है तो उसे ठीक कर रहे हैं। मशीन का पाइप, जो पानी का जो पाइप होता है ना, जिसमें ड्रायर से पानी में पाइप जाता है, वो पाइप फटा हुआ निकला तो वो करके टेप लगा के गया फिलहाल, तो कुछ वो लेके नहीं आया था पाइप। और मम्मी भर रही है पानी बोतलों के अंदर फ्रिज में लगाने के लिए। ये देखो मम्मी को, मम्मी हाय, कैसे? क्या हुआ मम्मी? मम्मी क्या हुआ? आ जाओ, ट्यूब लगाती हूँ, दवाई ले ली थी बीपी की, तो चलो आपसे थोड़ी देर। तो मैं यहाँ पर शाम की चाय बनाने के लिए रख रही हूँ, मम्मा और अपने लिए चाय बनाऊँगी और साथ के साथ एक गैस पे दूध भी बॉईल होने के लिए रख दूँगी। यहाँ पर जितने भी सिंक में थोड़े बहुत बर्तन हैं दोपहर के जो हमने खाना खाया था, उन बर्तनों को भी मैं साथ के साथ वॉश कर लेती हूँ, जिससे उधर चाय भी बन रही है, दूध भी बॉयल हो जाएगा और मेरे बर्तन भी वॉश हो जाएंगे। फिर बस शाम के खाने की तैयारी करनी रह जाएगी, तो बस बर्तन वॉश कर।
तो मैंने यहाँ पे चाय बनने के लिए रख दिया, मतलब चाय भी एक उबाल आ चुका है अच्छे से, उसमें दूध भी उबलने के लिए रख दिया, बर्तन भी सारे वॉश कर दिए हैं, और बस एक बार पूरे में झाड़ू लगा दूँगी और फिर खाने में क्या बनाना है वो मम्मा से पूछती हूँ। एक्चुअली मैं मम्मा की बीपी लो है, बीपी की दवाई दे दी थी फिर भी मम्मा का बीपी लो है, और हमारे साथ में जो पार्क है उसमें कोई प्रोग्राम चल रहा है तो इसीलिए वॉइस आ रही है। बस चाय को थोड़ी देर और उबलने दूँगी, जब तक चाय अच्छे से खदक ना जाए ना, खदक ना मीन्स अच्छे से उबल उबल के वो ना हो जाए, तो चाय पीने में मज़ा नहीं आता। और मैं अगर बिना एक दो बार लगा के मम्मा को या हमारे घर में किसी को भी चाय दूँ तो कहीं कच्ची कच्ची चाय देती, कच्ची कच्ची, तो इसीलिए अब क्या फेस एक्सप्रेशन बनाए हैं मैंने, कितने गंदे छी। तो चलो इतनी चाय उबल रही है यानी खदक रही है तो हम अंदर चलते हैं। यहाँ पर बनाने वाले हैं पीले चावल, शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ मैं। यहाँ पर पीले चावल मीन्स मटर, आलू, मिर्च वगैरह जो डाल के, हरी मिर्च वगैरह डाल के जो हम बनाते हैं, मैं वो वाले चावल बना रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास मटर नहीं है, तो आलू और जो लंबी वाली बड़ी मोटी हरी मिर्च होती है उसको मैं तड़के में यूज़ करूँगी, लंबा लंबा काट के प्याज के साथ, तो बस मैं उसी को कर रही हूँ। और साथ के साथ जब तक ये चावल वगैरह मैंने भिगो के रख दिए तो मैंने सोचा जो बर्तन सिंक में पड़े उन्हें भी मैं साथ के साथ वॉश कर लेती हूँ, तब तक हमारे चावल भी थोड़ी देर के लिए भीग जाएंगे। तो बस मैं यहाँ पे बर्तनों को वॉश कर रही हूँ, इसी तरीके से मैं काम करती हूँ। तो प्याज और लहसुन वगैरह मम्मी ने काट के रख दिया है, छील दिया है लहसुनों को, लहसुन को मैं अच्छे से कूट लूँगी। और मम्मा के सर में दर्द हो रहा था जैसा कि मैंने आपको बताया, आज उनका बीपी भी थोड़ा सा लो है, पर मम्मा बैठती कहाँ हैं। तो मम्मा यहाँ पे जो मैंने हरी मिर्ची रखी हुई थी उनको धोकर लंबा काट रही हैं। मम्मा मुझसे पूछ रही थी कि गोल काटूँ या लंबा काटूँ, तो मैंने कहा लंबा लंबा काट दो आप, तो बस वही कर रही हूँ। और बस इसी तरीके से काम कर रहे हैं, मम्मा जल्दी से बैठती नहीं है, बिस्तर पे लेटती नहीं है, चाहे उनको कितना भी दर्द हो, कितनी भी बीमार हो, हाँ जब उनसे बर्दाश्त ही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता तभी वो बिस्तर पे चलती हैं लेटने के लिए, वरना तो उन्हें काम करना ही करना है। और ना आज फ्रिज ऑफ रह गया था, तो फ्रिज में मक्खन रखा था उसमें पानी भर गया, पर जम गया मक्खन, तो पानी जो था ना वो हमने निकाल दिया, मक्खन सही है फिलहाल। तो मैं खाना खा रही सबके लिए, पापा ने खाना खा लिया, मम्मी के लिए, अपने लिए, सबके लिए खाना खा लिया। पापा को मैंने पहले दे दिया था खाना, और पापा ने कहा था हरे धनिया की चटनी बनाने के लिए, तो हमने बनाई थी हरे धनिया की चटनी और चावल छके हमने। मैं खाना खा लेती हूँ सबका, मम्मी की आज तबीयत ऐसी है थोड़ी, जैसे मैंने आपको बताया मम्मी के सर में दर्द हो रहा है, बीपी लो हो रहा है, और नज़र लगी हुई थी मम्मी को, नज़र उतारी है मैंने अपनी मम्मी की। खैर नज़र भी कैसे लग जाती है, इतना तो मम्मा कुछ करके भी नहीं रहती, बहुत सिंपल रहती है मेरी मम्मा, आपने देखा ये कितना सिंपल रहती है मेरी मम्मी, फिर भी नज़र लग जाती है। तो मैं खाना खा लेती हूँ फिर आपसे बातें करती हूँ। ये बनाए हमने पुलाव गर्मा गर्म, तो मैं मम्मा को देने जा रही हूँ पहले, और फिर मैं अपने लिए भी घालती हूँ, मतलब डालती हूँ अपने लिए भी खाना, हम घालते बोलते हैं घालती हूँ। तो हमने खाना खा लिया है, और आज ना खाना बहुत टेस्टी, क्योंकि ना आज हमने वो जो लंबी वाली हरी मिर्च नहीं होती उसे तड़के में डाला था,
खाने में मज़ा आ गया, और साथ में चटनी, छाछ, गरम गरम चावलों, यानी कि जो हम खिचड़ी बोलते हैं इसको, मतलब जो डाल के बनाते हैं खिचड़ी में मक्खन, जो स्वाद को दो गुना कर दिया उसने, तो बहुत ही टेस्टी लगा। और जो थोड़े से चावल बच गए हैं, यानी खिचड़ी बच गई है, आलू मटर डाल के जो बनाते हैं, वो मटर तो नहीं थी, बस हमने आलू प्याज हरी मिर्च जो मोटी वाली बड़ी वाली होती है वो, और टमाटर वगैरह डाल के बनाई थी, तो बहुत ही टेस्टी बनी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी। थोड़ी सी बची है, इसको रख देती हूँ मैं, और भाई नहीं आया ऑफिस से, बाकी सब तो आ गया, बाकी सब ने खाना खाया, मुझे लगा भाई आ गया, पर अभी नहीं आया। और बर्तन वॉश करने हैं, मम्मी को थोड़ा सा आराम है, जब से मैंने मम्मी की नज़र उतारी है ना, तो तब से थोड़ा सा मम्मा के सिर में आराम है, यानी मम्मी के सर में दर्द और गुद्दी टूटी जा रही थी, गुद्दी है यहाँ पे और सर में दर्द, तो अब थोड़ा सा मम्मा को आराम है। मम्मा को खाना वगैरह दिया, मम्मा ने खाना भी खा लिया, ये तो मेरा हो गया चाव, यानी खिचड़ी मैंने पलट के रख दी है, और थोड़ी चटनी भी है, तो इस चटनी को भी मैं कटोरी में करके रख देती हूँ, चटनी भी बहुत टेस्टी थी। और सब अंदर टीवी देख रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य आ रहा है, और हमारे घर में यानी मम्मी वगैरह, मम्मी पापा ये सब चंद्रगुप्त मौर्य बहुत शौक से देखते हैं, बहुत ज़्यादा शौक से देखते हैं, इनको बहुत पसंद है चंद्रगुप्त मौर्य देखना, मैं ऐसा कुछ खास नहीं देखती। मुझे तो निमकी मुखिया, जब मैं वहाँ पर थी फैदाबाद में, तो मैं निमकी मुखिया जरूर देखती थी, पर वहाँ ना लाइट की बड़ी प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है लाइट की, वैसे तो इन्वर्टर लग रहा है, पर ना हमारे वो जो डिश छतरी नहीं लग रही है, हमारे वो केबल वाला वो लग रहा है, तो जब लाइट चली जाती है तो उसके साथ ही केबल भी चला जाता है, तो इस वजह से एपिसोड बहुत ज़्यादा मिस हो जाता है। मैंने चटनी और चावलों को पलट के रख दिया है, तो आप, मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ। अगर आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो क्या करना है, आपको लाइक करना है, जी हाँ, अगर आपको मेरा छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और बहुत बहुत अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर दीजिएगा यार, शेयर करना बिल्कुल फ्री है, लाइक करना बिल्कुल फ्री है, और कमेंट करना वो भी बिल्कुल फ्री है, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए मेरी वीडियो को, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल फ्री है, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, तभी आपको मेरी हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएंगे। तो यही थी मेरी आज की छोटी सी जर्नी, जिसमें मम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, पर अब मैंने उनको बीपी की गोली दे दी थी, फिर उनकी नज़र उतार दी, तो मम्मा बिल्कुल ठीक है। तो आपने मेरे ब्लॉग को यहाँ तक देखा, उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, और आपसे एक नए ब्लॉग में मिलती हूँ, एक नई जर्नी, एक नई उम्मीद, एक नई उमंग, एक नई आशा के साथ, तो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।